हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल से होंगे, ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो लेके। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर। आज बन रही है मसूर की दाल। आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन आलू की सब्जी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे, सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर देखिएगा, चैनल पे पहले से है और बहुत टेस्टी लगता है, हम लोग को बहुत पसंद है ये। इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग कुमड़ा भी कहते हैं, बंगाल में इसको कुमड़ो कहते हैं और ऐसे कद्दू कहते हैं, पम्पकिन भी कहते हैं। अच्छी लगती है सब्जी इसकी। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है मैंने और इसके बाद इसमें छौंक लगा दूंगी। सब्जी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी आलू फ्राई हो रहा है। इसके साथ मसाले क्या क्या जाएंगे तो इसमें हींग, पंचफोरन, कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची है जो कि लाल हो गई है, तो पंचफोरन है। सब लोग जानते होंगे पंचफोरन में क्या क्या मसाले होते हैं, बट जो नए हैं कुकिंग में उनके लिए मैं बता दूं कि ये पांच मसालों का मिक्सचर होता है। और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना कि मुझे स्टोरी बुक मिली है गिफ्ट में, तो मेरी कुछ बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ फ्री टाइम में आप बुक भी रीड कर लो, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आप सबकी बात मान ली है, मैं रियली अब कुछ देर बुक भी रीड कर रही हूँ, नॉवेल्स भी पढ़ रही हूँ। तो मैंने आप सबकी बात मान ली है और अपनी इंग्लिश को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हूँ। थैंक यू सो मच। और इधर इधर कौन है? हेलो बना। यहाँ पे मशीन अपना काम कर रही है, कपड़े धुल रही है। और यहाँ है आस्था जो कि लगी हुई है, इसका तो क्राफ्ट ख़त्म ही नहीं होता है। अब पता नहीं क्या बना रही है, ग्लू है, सेफ्टी पिन और पता नहीं क्या क्या सबके साथ है। रोज बना रही है, देखो इसे अभी चिपका, अच्छा बना तो दिखाएंगे। हाँ। और इसने मुझे बर्थडे पे ना बस एक कार्ड देके और फुसला लिया है, मुझे बर्थडे कार्ड दे दिया और बस फुसला लिया कि गिफ्ट नेक्स्ट ईयर दूंगी। हाँ, नेक्स्ट मेरा गिफ्ट दो, मेरा गिफ्ट दो, मेरा गिफ्ट दो। नहीं, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। नेक्स्ट ईयर करते करते मैं एक साथ 100 गिफ्ट लूंगी एक बार। अरे, बड़ी हो जाओ जब तो। मैं बड़ी होंगी तब ना। तुम बड़ी हो, मैं देती हूँ गिफ्ट तो मुझे। आलू को निकाल दिया, अभी ये जाएगा सारा मसाला। मैंने यहाँ पे सब्जी छौंक दी है, ये रहा पम्पकिन। अब इसको एक दो मिनट पकाएंगे, हल्दी और नमक डाल देंगे, साथ में जो पोटैटो फ्राई किया वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी देके बस। ज़्यादा देर नहीं लगती है सब्जी को पकने में, अच्छे से गल जाएगा। बनने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, पहले धो फिर गिराओ कपड़ों को। कितना मेहनत से मशीन कपड़ा धोया है और ये सब गिरा रही है। ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, अब ये सूखेंगे, काफी नई बात है ना। तो सब्जी में अब थोड़ी सी ही देर है, 3-4 मिनट में सब्जी हो जाएगी रेडी। मैंने इसमें डाला है ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्ची की पाउडर नहीं डाली मैंने, बस हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे रेडी है और इधर बन रहे हैं चावल, तो बस थोड़ी देर में हमारा लंच हो जाएगा रेडी। और यहाँ आस्था का ये क्रिएशन देखिए, इसने ब्रॉच बनाया है। अच्छा, क्या लिखा है? BFF। हाँ, ये आस्था ने बनाया ब्रॉच बनाया है और इधर लगाया है क्लिप। सेफ्टी पिन हाँ, सॉरी क्लिप नहीं, सेफ्टी पिन। बट मुझे लगता है इसमें थोड़ा बड़ा लगाओगे ना पिन तब एकदम सही होगा। बट ये कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। कौन है BFF?
मेरी फ्रेंड पाखी। ये पाखी इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए बना रही है। और मम्मा के लिए एक और बनाऊंगी। मुझे दे दो, मुझे दे दो। ऐसा ही बना दूंगी। नहीं, मुझे तो यही दे दो। नहीं। तो गुरुवार का दिन दोपहर हमारा ऐसा ही बीता। क्या क्या किया हमने, ये सब मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। छोटी सी रेसिपी भी शेयर की है। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तभी सबकी तरक्की पॉसिबल है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैं सरसों तेल में लहसुन फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा भी डाला है। तो मसूर की दाल को मैं इसी से छौंक लगाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है सरसों के तेल में और लहसुन और जीरा। आप चाहे तो इसमें एक सूखी लाल मिर्च भी डाल दें। हमारा लंच फाइनली हो गया है रेडी। यहाँ पे है गर्मा गर्म राइस, दाल एंड सब्जी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन टाटा।